नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सितंबर अक्टूबर महीना आते ही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के आगमन के 9 दिन यानी कि नवरात्र का खुमार माता के भक्तों पर चढ़ने लगता है। हिंदू पंचांग और देवी भागवत के मुताबिक हिंदू वर्ष में 4 बार नवरात्रि होते हैं। सबसे पहले नवरात्रि चैत्र नवरात्र होती है, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ महीने में मनाई जाती है, तीसरी बार शारदीय नवरात्र अश्विन महीने में पड़ती है, तो चौथी और अंतिम नवरात्रि अंतिम महीने माघ में होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। इन चारों में से प्रमुखता के साथ मनाए जाने वाले नवरात्रों में चैत्र और शारदीय नवरात्र माने जाते हैं, लेकिन अश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि सबसे विशेष होती है। इसलिए माता रानी के भक्तों को शारदीय नवरात्रा का खासा इंतजार होता है। नवरात्रि शुरू होने के दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा की भक्ति में लोग सराबोर हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भक्तगण के मन में काफी तरह के सवाल भी होते हैं, जिनमें सबसे बड़े सवाल ये होते हैं कि दुर्गा पूजा शुरू कब से हो रहा है, इस बार कोई दो पूजा एक ही दिन पड़ रही है या फिर नहीं, और इस बरस माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि 2021 से जुड़े सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो चलिए हम एक एक कर सारी शंकाओं को दूर करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि अश्विन महीने के 16वें दिन पहली पूजा होती है। इस साल 2021 में 6 अक्टूबर यानी बुधवार शाम 4:34 से ही अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 7 अक्टूबर को दोपहर 1:46 पर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:17 से सुबह ही 7:07 तक रहने वाला है। इसलिए इस बार नवरात्र की शुरुआत 7 अक्टूबर को ही कलश स्थापना के साथ हो जाएगी। अब यह सवाल उठता है कि इस बार माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से होने वाला है। आपको बता दें कि देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन दिन के अनुसार तय होता है। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। इसके मुताबिक माता का आगमन डोली पर होगा। भक्तों के बीच डोली पर सवार होकर इस बार माँ दुर्गा आने वाली है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। सबसे पहले दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2021 को पहली पूजा है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरे दिन 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। उसके अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को एक साथ तीसरी और चौथी पूजा दोनों ही है, इसलिए माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा साथ में होगी। 10 अक्टूबर को पांचवी पूजा माँ स्कंद माता की होगी। 11 अक्टूबर को माता की छठी स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की होगी। 12 अक्टूबर को सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 13 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होगी। उसके बाद 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को माता रानी के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस दिन ही नौ कन्या पूजन भी किया जाएगा। नवमी पूजा का समापन इस दिन शाम के 6:52 पर हो जाएगा। नवरात्र के ये 9 पूजा खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्र व्रत का पारण 15 अक्टूबर को होगा। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्र इस बार 8 दिनों तक ही रहेगी, क्योंकि 9 अक्टूबर 2021 को तीसरी और चौथी पूजा एक ही साथ पड़ रही है। तो यह थी नवरात्र 2021 से जुड़ी सारी जानकारी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।